हेलो एवरीवन आज हम लोग बात करेंगे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो एरियल सर्वे में तो देखते हैं कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं तो अभी अभी हम लोग बहुत सारे चीज़ें पढ़े हैं जैसे एरियल सर्वे में हम लोग करते क्या हैं स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या होता है, है ना तो हम लोग पहले तो बात करते हैं कि एरियल सर्वे क्या होता है किसी भी एयरक्राफ्ट से जिसमें कि कैमरा लगा हो अगर ओवर टॉप व्यू से अगर हम फोटोग्राफ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एरियल सर्वे बोलते हैं ठीक है और एरियल सर्वे में हम लोग दूसरा पॉइंट जो पढ़े थे जो इंपॉर्टेंट है स्केल ऑफ़ फ़ोटोग्राफ तो स्केल ऑफ़ फ़ोटोग्राफ में हम लोग पढ़े थे कि जो एलिवेशन होता है ऑब्जेक्ट्स का वो क्या करता है वैरी करता है अगर आपका ओरिजेंटल सर्फेस नहीं है तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि अगर ग्राउंड इस टाइप से है और ये

तो क्या होगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का केस ही नहीं आएगा अगर आपका ग्राउंड सरफेस क्या है प्योरली हॉर्जेंटल है तो वो क्या आएगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का केस नहीं आएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है रेयरली ये जो केस है कि आपका ग्राउंड सरफेस प्योरली हॉर्जेंटल हो ये एक रेयर कंडीशन है और ये कहीं नहीं मिलता है बहुत रेयर ही ऐसा क्या मिल सकता है कि क्या हो आपका ग्राउंड सरफेस क्या हो प्योरली फ्लैट हो ठीक है तो एक्चुअल प्रैक्टिस में यह होता नहीं है कि पूरा ग्राउंड क्या हो फ्लैट हो तो होता क्या है कि हम लोग जो फोटोग्राफ खींचते हैं उसमें हम लोग कौन सा प्रोजेक्शन लेते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग एक बार और भी बात किए हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन होता है जिसमें थ्री व्यू को हम लोग टू में देखते हैं किसी भी थ्री डी व्यू को टू में देखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जैसे कि आप अगर टॉप व्यू से कुछ चीजें देख रहे होंगे जैसे सपोज कीजिए आप कहीं छत से नीचे देखते हैं तो क्या आपको टू दिखाई देता है नहीं थ्री दिखाई देता है लेकिन जब आप फोटो खींचेंगे उसका तो आपको क्या थ्री आएगा नहीं आएगा जो आएगा टू आएगा तो जब थ्री से जो टू बनता है तो थ्री का जो पॉइंट होगा जो हाइट होगा वो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ग्राउंड टू डी में शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का थ्री डी प्लेन से टू डी प्लेन में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ के फिगर में देखते हैं आपको फिगर से समझाते हैं जो यदि यहाँ पे हम लोग बना के रखे हैं कि इसमें थोड़ा समझिएगा फिगर से कि जो हाँ चलिए तो ये जो है फिगर इसमें देखिए कि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है थोड़ा तो सा चला गया अंदर बट ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर ठीक है और ये कोई टावर है जिसका हाइट क्या है स्मॉल एच है ठीक है तो जब हम यहाँ से फोटो खींच रहे होंगे टॉप से देख रहे होंगे तो हमारा क्या आएगा ये ये हमको थ्री दिख रहा होगा बट जब आप फोटो खींचोगे तो इसका फोटो कहाँ पे आएगा इसका फोटो तो जमीन पे ही बनेगा ना जब आपका फोटो बनेगा तो ये यहाँ पे है ऑब्जेक्ट इसका एलिवेशन क्या है इतना हाइट है एच है बट जब ये फोटो बनेगा तो ये तो बनेगा जहाँ पे इसका क्या है जहाँ पे इसका बेस है वहीं पे इसका क्या बनेगा टॉप व्यू बनेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है देखिए जब हम पिक्चर प्लेन पे फोटो खींचेंगे तो एक्चुअली ये जो फोटो आ रहा है तो इसका पॉइंट यहाँ है ठीक है यहाँ आना चाहिए था बट फोटोग्राफ में ये कहाँ आएगा यहाँ आएगा क्योंकि ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा और ये पॉइंट क्या आएगा यहाँ आएगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपको दिखाते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ओके सो दिस वन इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब मतलब है कि थ्री व्यू में जो आपका पॉइंट है किसी भी टॉप का जो एलिवेशन का वो जब आप फोटो खींचते हैं तो वो कहाँ चला जाता है टू डी पे पर तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे आपको सीन होगा ग्राउंड पे सीन होगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है फोटोग्राफ में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि लैंग्वेज क्या बोलता है फर्स्ट uh, पैराग्राफ है वो प्योरली वर्टिकल है ठीक है ये जो uh, जो आपका एरोप्लेन है सपोज तो ये जो फोटोग्राफ खींच रहा है वो प्योरली वर्टिकल फोटोग्राफ मतलब प्योरली 90 डिग्री का है ठीक है और दूसरा कि ग्राउंड क्या है प्योरली फ्लैट है क्या है ग्राउंड इज हॉरिजेंटल तो जो स्केल होगा ऑब्वियसली जो स्केल होगा वो क्या होगा यूनिफॉर्म होगा जो ये स्केल होगा यूनिफॉर्म होगा तो ये बोल रहा है दूसरा सच फोटोग्राफ रिप्रेजेंट्स ट्रू ट्रू ऑर्थोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन क्या थ्री डी का चीज थ्री उसी को क्या बोलेंगे ट्रू ऑर्थोग्राफिक बोलेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है थ्री को हम लोग क्या देखते हैं टी डी में देखते हैं तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ऐसा अगर होता है तो वो क्या होगा ट्रू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा ऑब्वियसली होगा इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउ एवर सच कंडीशन आर नेवर फुलफिल ऑब्वियसली हम लोग क्या बोल रहे कि ये जो कंडीशन है एक्चुअल प्रैक्टिस में कभी भी फुलफिल नहीं होगा कि आपका जो फोटो आप खींचे वो भी क्या हो पूरा वर्टिकल फोटोग्राफ आए और साथ में आपका जो ग्राउंड हो वो क्या हो प्योरली वर्टिकल हो ऐसा कभी होगा नहीं ठीक है तो हम क्या करेंगे व्हेन द ग्राउंड इज नॉट ऑरिजेंटल हाँ नेक्स्ट पॉइंट जो है ग्राउंड इज नॉट हॉरिजॉन्टल द स्केल ऑफ फोटोग्राफी पॉइंट टू पॉइंट एंड इट इज नॉट कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली क्या बोल रहा है कि जब आपका ग्राउंड सरफेस क्या होगा ऑरिजेंटल नहीं होगा और स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या करेगा वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट इट इज नॉट कॉन्सटेंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा वैरी करेगा जैसे सपोज आप कही तो यहाँ पे स्केल कुछ होगा यहाँ स्केल कुछ होगा यहाँ स्केल यहाँ स्केल कुछ होगा क्योंकि एलिवेशन क्या हो रहा change है चेंज हो रहा है फ्लाइंग हाइट चेंज हो रहा है तो आपका स्केल ऑफ फोटोग्राफी क्या होगा पॉइंट टू पॉइंट क्या करेगा चेंज करेगा सो एवरी पॉइंट ऑन फोटोग्राफ देखिए एवरी पॉइंट ऑन फोटोग्राफ इज डिस्प्लेस फ्रॉम दियर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑब्वियसली सपोज कीजिए जैसे ये आपका ग्राउंड है ठीक है ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तो ये, ये इसको अगर फोटो खींचेंगे तो आना चाहिए ये ये सब तो एक ही जगह पे आ गया एक ही प्लेन पे आ गया बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ग्राउंड सर्फ में इसका एलिवेशन कुछ है इसका एलिवेशन कुछ है इसका एलिवेशन कुछ है तो ये आ तो गया एक ही प्लेन पे तो ये जो डिस्प्लेस हुआ है पोजिशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पोजिशन का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट में हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि डिराइवेशन हम लोग कैसे करेंगे ठीक है ओके तो अब हम लोग पहले फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं कि फिगर में हम लोग क्या क्या चीजें लिखे हैं और क्या क्या चीजें हैं उसको पहले अच्छे से समझ लेंगे तभी हम लोग का डराइवेशन क्या होगा ईजी होगा और डराइवेशन हमेशा अच्छे से समझना चाहिए डिराइवेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो डराइवेशन के बाद न्यूमेरिकल काफ़ी इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल कुछ नहीं है सिंपल फार्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल होते हैं एरियल सर्वे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हर चीज में आते हैं इवन कम्पटिटिव एग्जाम में भी इसको क्या किया जाता है इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एक यहाँ पे टावर है ठीक है एक क्या है ये टावर है जिसका टॉप जो है वो है ए

फोटोग्राफ बनेगा ये क्या बन रहा है फोटोग्राफ बन रहा है ठीक है टॉप का जो बन रहा है फोटोग्राफ में तो कैपिटल ए का फोटोग्राफ में हम स्मॉल ए लिख देते हैं ग्राउंड सरफेस में जो ए नॉट है उसका क्या फोटो बन रहा है ए नॉट लिख दे रहे हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे हम लोग यहाँ ओ है इसको हम लोग स्मॉल के लिखे हैं ये कैपिटल के है और ये कैपिटल के नॉट है ठीक है अगर हम बात करें जो पिक्चर प्लेन से जो ऑप्टिकल सेंटर का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस ओके जो है स्मॉल ओके जो है वो हो जाएगा स्मॉल एफ ठीक है टावर का हाइट एच है तो ये हो जाएगा आपका एच ठीक है स्मॉल एच और हम लोग जानते हैं ग्राउंड सरफेस से ऑप्टिकल सेंटर मतलब कैमरे का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग हाइट तो ये आपका हो गया फ्लाइंग हाइट कैपिटल एच तो अगर हम ओ okay, के मतलब कैपिटल ओ के का अगर लिखना चाहें तो क्या होगा एच माइनस एच होगा क्या होगा जरूर होगा ये पूरा एच है इसमें एच घटा देंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा आपका एच माइनस एच तो ये आप समझ गए अब जो हमारा टॉप का अगर टॉप से अगर हम प्रिंसिपल प्लम लाइन का अगर डिस्टेंस लिखते हैं तो उसको हम लोग लिखे हैं आर किससे डिनोट किए हैं स्मॉल R से और बॉटम का अगर हम प्रिंसिपल लाइन से अगर हम मानते हैं तो वो क्या लिए हैं R नॉट लिए हैं ठीक है ये क्लियर अब जो है ग्राउंड सरफेस पे जो डिस्टेंस है टावर का और प्लम लाइन का जो प्लम पॉइंट का जो है उसका हम क्या माने हैं कैपिटल आर माने तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है तो एक्चुअली ए माइनस ए नॉट जो है ए माइनस ए नॉट ये देख रहे हैं यही हमारा क्या है रिलीव है यही हमारा क्या रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं निकालना चाह रहे हैं तो अगर हम यहाँ से रिलीफ डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो देखिएगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहें तो क्या होगा आर माइनस आर नॉट होगा क्या अच्छे से देखिए आप लोग आर से इतना हम सबस्ट्रैक्ट कर दे तो ये पार्ट आ जाएगा क्या तो ये आर माइनसुलेट दिलीव डिस्प्लेसमेंट कंसिडर फिगर विच द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द फोटोग्राफ ऑफ फिगर अलॉन्ग लाइन के ए कैपिटल के सो हम लोग, लोग, so लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं लेट स्मॉल आर इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ देख रह सकते हैं यहाँ से आर क्या है ए से जो डिस्टेंस लिएडियली वो लिए नॉट से जो दिए है उसको क्या लिखे है? r not लिखे ठीक है स्मॉल आर not लिखे ठीक है सो यहाँ से देखिए हम सिमिलर ट्राइंगल्स हम ये जो बना रहे हैं इसको हम लोग पहले एक बार फिगर में ही समझ ला समझ लेते हैं उसके बाद आपके पास आएंगे हम सो so, यहाँ से देखिए एक पहला जो हम सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं ये एक आपका सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे एक है और इसी का एक सिमिलर ट्रायंगल यहाँ से एक ठीक है तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल है इसको आप बोल सकते हैं ओ स्मॉल के स्मॉल ए एक है और दूसरा जो है वो है क्या ये एक हो गया दूसरा है ओ के ए कैपिटल ओ के ए ये दूसरा ये दोनों क्या है सिमिलर ट्रायंगल है तो जब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो आप क्या लिख सकते हैं, कर लेते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं आप ओके ये लिख सकते हैं ये बाय कैपिटल मतलब स्मॉल के बाय कैपिटल ओ के इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं ये बाय ये. ये आर है तो ये भी आर होगा और ये क्या है स्मॉल आर तो यहाँ पे हम आर बाय आर लिख सकते हैं क्या या फिर आप लिखिए के स्मॉल के ए बाई कैपिटल के ठीक है अच्छे से कर लेते हैं एक बार क्या हो जाएगा यहाँ से ए बाई कैपिटल के ठीक है इसी को अगर हम और लिखना चाहें तो ओके इक्वल्स टू के एफ है स्मॉल एफ और कैपिटल ओके इक्वल्स टू क्या है एच माइनस एच कैपिटल के क्या है स्मॉल आर है और क्या स्मॉल कैपिटल k क्या है स्मॉल r है और कैपिटल k क्या है कैपिटल r है सो so यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है r के लिए हम बात कर रहे थे तो r इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं fr rf by h minus h तो ये यह हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिखे हैं आ गया है ok को ok by ok k के F by h minus a small r by कैपिटल R तो यहाँ से R का एक आ गया इक्वेशन वन उसी तरह दूसरा सिमिलर triangle जो हम लेंगे फिर से फिगर में देखते हैं तो यहाँ से दूसरा जो सिमिलर triangle है हमारे पास एक तो फिर से वही है एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा तो एक हो गया OK OK a not एक कौन सा है OK a not और एक क्या है कैपिटल ओ कैपिटल के नॉट ए नॉट कैपिटल के नॉट ए नॉट तो यहां से अगर हम लिखे तो फिर से क्या होगा ओके बाय के नॉट ए नॉट सॉरी ओके बाय ओके नॉट और यहां से क्या हो जाएगा आपका के ए नॉट डिवाइडेड बाय के नॉट ए नॉट ठीक है तो यहाँ से अगर हम इसको फिर से लिखना चाहें तो यहाँ से ओके क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा नीचे का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा इधर से आ जाएगा आर नॉट और इधर से क्या आ जाएगा आर तो यहाँ से हम फिर से क्या निकाल लेंगे यहाँ से आर नॉट निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आर एफ आई एच तो देखिए यहाँ पर ओके नॉट ए नॉट एंड ओके ए नोट तो यहाँ से आ जाता है आपको आर नोट इक्वल्स टू आर एफ बाई एच तो हम लोग देखे थे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है रिलीप डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डी मान लेते हैं तो relief displacement को अगर मान लेते हैं, तो तो क्या हो जाएगा? R minus हो जाएगा जाएगा, तो यहाँ पे value put कर देंगे था था था, और equals to क्या था? By H था, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा डी इक्वल्स टू आर एफ एच बाई एच माइनस एच एच ठीक है तो अब हम इक्वेशन वन एंड टू यहाँ पे क्या लिखे हैं क्वेश्चन के पास चलते हैं तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये यह आपका इक्वेशन वन ये टू ठीक है तो इक्वेशन वन में अगर हम कैपिटल आर लिखे तो आपका क्या होगा आर एच माइनस एच डिवाइडेड बाई एफ और अगर यहां से आर लिखे तो ये क्या हो जाएगा आर नॉट कैपिटल एच बाय तो इस दोनों का वैल्यू क्या हम पुट करेंगे आप इक्वेशन

आर H बाई एच और एक आता है भाई एच भाई एच आर नॉट H बाई एच माइनस वन अगर क्वेश्चन में R दिया हुआ है तो आपको आर H बाई एच यूज करना है अगर आर नॉट H माइनस एच दिया हुआ है तो आपको क्या यूज करना है ये फॉर्मूला यूज करना है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के लिए ठीक है यहाँ पे H क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैपिटल H क्या है फ्लाइंग हाइट F क्या है फोकल लेंथ तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ध्यान रखेंगे So this is all about the relief displacement.